Uh, welcome to Weekly Current Affairs. We will discuss all the current affairs from 1st of August to 7th of August 2022. <coughs> uh, so the question is: According to Kotak Private Banking Hurun list uh, of richest women in in India. हु इज़ द रिचेस्ट woman ऑफ इंडिया दैट इज़ रोशनी नादर मल्होत्रा फाल्गुनी नायर नीता अंबानी और किरण मजूमदार सो आंसर इज़ ए दैट इज़ रोशनी नादर मल्होत्रा सो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है वो सबसे अमीर वोमेन है इंडिया की वो चेयरपर्सन है एच सी एल की एंड द रिचेस्ट वोमेन ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू अकॉर्डिंग टू हुरून लिस्ट हुरून लिस्ट के अकॉर्डिंगली ये है एंड फाल्गुनी फागुनी फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ नायका ठीक है नायका की फाउंडर एंड चेयरमैन है उनका कौन सा है सेकेंड रिचेस्ट वूमेन ऑफ द इंडिया अब आ, कुछ और बातें इससे रिलेटेड जो ओ एन जी सी की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन अलका मित्तल फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पुरी बुज डब्ल्यू टी ओ की फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट नागोची ओकेंजा इवेला नाइजीरियन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल हैड दैट इज ध्रृती बनर्जी Now, uh, three countries added to associates member of ICC in July 2022. They are उज्बेकिस्तान उजबेकिस्तानंगो कम्बोडिया उज्बेकिस्तान आइवरी कोस्ट कम्बोडिया उज्बेकिस्तान कॉन्गो एंड आइवरी कोस्ट अन्ना ऑफ दिस सो आंसर इज़ बी दैट इज़ उज्बेकिस्तान आइवरी कोस्ट एंड कम्बोडिया ये तीन कंट्रीज़ हैं इनको आई ने एसोसिएट मेम्बर्स में डाल दिया है अब टोटल कितनी होगी कंट्रीज़ में एक सौ आठ होगी है आई सी सी को हेड क्वार्टर कहा है दुबई यू ए में अब न्यूएस्ट कंट्री एडी टू यू एन ओ कौन सी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ साउथ सूडान कौन सी वन नाइन्टी थ्री कंट्रीज इसमें टोटल है न्यूएस्ट एडी टू इंटरनेशनल मोनिट्री फंड इज एंडोरा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ईरान टोटल कितनी कंट्रीज है एट नाउ सी एम नाश्ता योजना सीएम नाश्ता योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई है यूपी राजस्थान तमिलनाडु और झारखंड सो आंसर इज सी दैट इज तमिलनाडु सो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है कि uh, जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास के अंडर उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल में ही सो so, Uh, कुछ और हमारे पास uh, योजनाएं हैं लाइक like, सीएम um, uh, सारथी योजना ये झारखंड की है ये तीनों के तीनों के किसके लिए है फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए um, ये ये योजनाएं बाय डिफरेंट स्टेट्स की गई हैं लाइक like, सीएम सारथी योजना ये झारखंड की है जिसके अंडर uh, जितने भी कॉम्पिटेटिव uh, एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री की कोचिंग देंगे एंड मुख्यमंत्री अभ्योदया योजना ट्वेंटी ट्वेंटी ये यूपी में है सेम काइंड ऑफ योजना एंड अनुप्रति योजना इन राजस्थान ये तीनों के तीनों है हमारे पास फ्री कोचिंग के लिए फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नाउ आई एन एस टर्कश विल अनफ्लर इंडियन फ्लैग ऑन फिफ्टीन ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन विच कंट्री चाइना बीजिंग यू ए और इंडोनेशिया तो हम कौन सा मना रहे हैं हम मना रहे हैं सेवेंटी फाइव आज़ादी का अमृत महोत्सव सेवेंटी फाइव ईयर्स हमारे आज़ादी को हो जाएंगे तो इसमें इस क्या होगा आ, जो आई एन एस टर्कश है वो इंडिया का फ्लैग लेके जाएंगे कहाँ पर ब्राज़ील रियो में ठीक है और वहाँ पर इंडिया के फ्लैग को अनफ्लर करेंगे ऑन फिफ्टीन ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू ना कुछ और क्वेश्चन लाइक संतोष ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी टू किसने जीता है केरला ने किसको हरा के वेस्ट बंगाल को हरा के एंड डेंट कप ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज विनर विनर कौन है फुटबॉल क्लब गोवा ना फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज बींग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन कतर ठीक है एंड फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स कहाँ पर होगा दैट इज नॉर्दर्न अमेरिका मैक्सिको एंड यू एस ए नाव वो हैज़ बिन अपॉइंटेड दिल्ली पुलिस कमिश्नर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर किसको अपॉइंटेड किया गया है राकेश अस्थाना संजय अरोड़ा राजीव सिंह और राहुल शर्मा सो द आंसर इज बी दैट इज़ संजय अरोड़ा संजय अरोड़ा कौन थे ये डायरेक्टर जनरल थे डीजी थे किसके आई बी के तो इनको कहाँ पर डाल दिया है? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इनको आ, बना दिया गया है तो संजय अरोड़ा विल सक्सीड कौन थे राकेश अस्थाना थे उनको सक्सीड करेंगे संजय अरोड़ा अब Uh, दिल्ली कौन से सिक्सटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है इट इज़ रिलेटेड टू डेली लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेली दैट इज विनय कुमार सक्सेना जो कि हेड थे KVIC, के खादी विकास इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के हेड थे नाउ सी कौन है वहाँ के अरविंद केजरीवाल हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्टेट दिल्ली सबसे ज़्यादा कहाँ की है डेंसिटी दैट इज ऑफ डेली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश बिकम द फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ इंडिया टू गेट हाइड्रोलिक लिफ्ट जहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है इस अभी अभी तो अजंता एलोरा एलिफेंटा केव्स वन नन ऑफ दिस तो so आंसर इज बी डेट इज़ एलोरा uh, एलोरा आपने याद रखना है एलोरा में फर्स्ट मोनूमेंट बन गया है जहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है हाइडो तो एलोरा कस में है यूनेस्को uh, की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है इट इज़ इन महाराष्ट्र औरंगाबाद और फर्स्ट मोनूमेंट इन द कंट्री टू हैव हाइड्रोलिक लिफ्ट तो आपने ये याद रखना है एलोरा केव्स सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है ये हमारे पास आ, आ, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हेरिटेज हैं कंजर्वेशन उनकी कंजर्वेशन करना इनकी प्रिजर्वेशन करना हिस्टोरिकल इवेंट्स uh, और मोनूमेंट्स इन द कंट्री उनको प्रिजर्व करना उनको कंजर्व करना सो फाउंडर वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम फाउंडेड इन एटीन सिक्सटी वन एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है एंड हेडकोर्टर इज़ एट न्यू डेली नाउ no. पाकिस्तान की फर्स्ट हिंदू वोमेन टू बिकम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन बनी है अंजलि सिंह मनीष सिंह अंजलि रोपेटा और मनीषा रोपेटा सो द आंसर इज डी दैट इज मनीषा रोपेटा हमारे पास पहली हिंदू बनी है डिप्टी डी एस पी ऑफ पाकिस्तान की एक स्टेट की एक डिस्ट्रिक की नो नेक्स्ट वन इज़ एम एच सिक्सटी रोमियो मल्टीपर्पज़ ये हेलीकॉप्टर का नाम है एम एच सिक्सटी रोमियो तो ये इंडिया लेगा कहाँ से यू एस ए से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ले रहा है तो इनकी खासियत ये है कि ये सभी वेदर्स में किसी भी वेदर कंडीशन में ये काम कर सकता है तो अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हम कितने ले लेंगे ट्वेंटी फोर चौबीस इस टाइप के हेलीकॉप्टर्स ले लेंगे और ये इंडियन नेवी में एडिड होंगे अब नाउ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो यू में हुई थी यू ने इसमें पहला रैंक और एक उन USA में हुआ था ये और यू का इसमें पहला रैंक है तो इसमें इंडिया ने ओनली एक मेडल जीता है दैट इज़ नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल एंड टोक्यो ओलंपिक 2020 में यूएसए का पहला रैंक था अब प्रोजेक्ट 75 है हमारे पास जो प्रोजेक्ट 75 है उसके का, uh, अंडर हम क्या बना रहे हैं उसके अंडर हम सिक्स सब बना रहे हैं सब बना रहे हैं कौन कौन बना रहा है इंडिया और फ्रांस दोनों मिल बना रहे हैं प्रोजेक्ट सेवेंटी में सब -marines. तो सिक्स जो सब हैं उनका नाम क्या क्या है कलवरी खांडेरी खरंज वेला, गीर एंड वाक्सीर तो ये सिक्स सबमेरिन बना रहे हैं किसके सहयोग से इंडिया एंड फ्रांस दोनों इकट्ठे बना के बना रहे हैं प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के अंडर नाउ टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज़ बीग इन न्यू दिल्ली पुणे महाराष्ट्र बेंगलुरु और रांची झारखंड तो आपने ये याद रखना है ये रांची झारखंड में हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि आ, जो ट्रेडिंग है इन, इंडिया की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो इंक्रीज हो सके सो सी ऑफ झारखंड इज़ हेमंत सोरेन ठीक है और हम कुछ और क्वेश्चन है लाइक ट्वेंटी फोर बिल्डिंग चौबीस मंजिला जो ओ है हेल्थ ओ है वो कहाँ पर बना हुआ है वो बना है जयपुर राजस्थान में इंडियाज़ लार्जेस्ट स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू इज़ एट बोध गया बिहार सरूल फेस्टिवल कहाँ पर झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है झारखंड में है ठीक है और किसकी हेल्प से बना रहे हैं हम सोवियत यूनियन की हेल्प से मे बी मेड बाय थर्ड फाइव ईयर प्लान में इसका इनको बनान बनाना स्टार्ट कर दिया था एक्सपोर्ट रेडीनेस की रिपोर्ट में गुजरात सबसे टॉप में है इंडियाज़ का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है यू नो फाइनेंशियल ईर ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच कंट्री हैज़ हाइएस्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया सिंगापुर यूएसए चाइना और मॉरिशस सो आंसर इज ए मतलब कि सिंगापुर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है सिंगापुर की इंडिया में सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ठीक है सिंगापुर ट्वेंटी सेवन परसेंट एफ शेयर करता है सबसे ज़्यादा उसके बाद यू एस एक्कीस परसेंट और मॉरिशस सोलह परसेंट इनमें आपने याद रखना है सबसे पहले सिंगापुर यू एंड देन मॉरिशस एंड स्टेट स्टेट जिसको सबसे ज़्यादा एफ डी आई जाता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्ट जिसको सबसे ज़्यादा जाता है कर्नाटक सबसे पहले पे महाराष्ट्र फिर डेली कर्नाटका को थर्टी जाता है महाराष्ट्र को ट्वेंटी एंड डेली को चौदह एंड एफ टू कर्नाटका हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द सेक्टर सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में जाता है कम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में थर्टी फाइव परसेंट एच एफ डी आई जाता है एंड ऑटोमोल मोबाइल इंडस्ट्री में बीस परसेंट एंड एजुकेशनल में कितना जाता है बहुत ही कम जाता है बहुत ही कम क्या मतलब थर्ड नंबर पर जाता है दैट इज बारह परसेंट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलहा फोर इज़ ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया ओमान इंडिया यू यू एमान ओमान और कतर सो आंसर इज़ ए इंडिया और ओमान जहाँ पे भी अल अल नाम आ जाए किसी भी एक्सरसाइज में तो उसका मतलब ये ओमान के बीच में है तो इंडिया और ओमान के बीच में अल नजहाँ है अल नजहाँ ओमान इंडिया और ओमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है एट कहाँ पे होगा महाजन फील्ड कहाँ पे बीकानेर राजस्थान में ये होगी नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर सी नारायणन रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड 2022 किसको मिला है डॉक्टर रानी मेहता डॉक्टर सुमित्रा रानी डॉक्टर प्रतिभा रे तो आंसर इज सी दैट इज़ डॉक्टर प्रतिभा रे को ये अवार्ड मिला है डॉक्टर डी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड कौन है ये ये हमारे पास ओडिया राइटर है ठीक है प्रतिभा रे इज़ अ ओडिया राइटर ठीक है uh, इनको ये अवार्ड मिला है एंड 2022 में इनको क्या मिला है uh, mm, इनको पद्म भूषण भी मिला है 2022 में तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको मिला है गीतांजलि श्री को उन्होंने एक बुक लिखी थी टॉम्ब ऑफ सैंड उसके लिए फिफ्टी सिक्स ज्ञानपीठ अवार्ड टू नीला नीलमणि निल फूफड़ एंड फिफ्टी सिक्स ज्ञानपीठ फिफ्टी ज्ञानपीठ अवार्ड टू दामोदर मौजा नाउ द रियल टाइम ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स हुरून की लिस्ट में कौन थी हुरून की लिस्ट में थी रोशनी नादर मल्होत्रा पहले नंबर पे बट ये रियल टाइम ब्लूमरिंग बिलियनर इंडेक्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट वोमेन है दैट इज़ सावित्री जिंदल ये या आपने याद रखना है हुरून में रोशनी नादर Uh, और रियल टाइम ब्लूमरिंग बिलियनर्स में सावित्री जिंदल तो सावित्री जिंदल इज़ द पर्सन ऑफ किसकी ओ पी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है ठीक है. है इसने जो है चाइना की यांग हुएन ठीक है उसको पीछे छोड़ दिया है और ये रिचेस्ट वोमेन बन गई है एशिया की एशिया की नॉट ओनली इंडिया और एशिया की है ये बहत्तर साल की है और इनकी जो नेटवर्थ है दैट इज़ इलेवन पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर्स एंड यांग हुआन कौन है ये चाइना की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टेट कंपनी है कंट्री गार्डन होल्डिंग्स इनकी मालकिन है और uh, जिंदल बहत्तर साल की है शी इज़ द इंडियाज़ रिचेस्ट मोमैन एंड टेंथ रिचेस्ट पर्सन इन द कंट्री ठीक है इन 2009 वो हमारे पास पॉलिटिशियंस पौलि, भी हैं और हरियाणा गवर्नमेंट में इनको uh, मिनिस्टर भी बनाया था दो में Now, X Winbacks 2022 is a bilateral army exercise between India and जैसे हम इसको आ, पता लग रहा है Win Win मतलब कि हम वियतनाम यहाँ से लेके आएंगे that is Vietnam. So India और Vietnam के बीच में X Winbacks 2022 इसका third edition होगा ठीक है X Win Winbacks 2022 का इस conducted at चंडी चंडी मंदिर है हरियाणा में वहाँ पे होगा and the theme इसका theme क्या है employment and development of engineer कंपनी एंड ए मेडिकल टीम एज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ठीक है अब कुछ और एक्सरसाइजस हैं लाइक स्लीनेक्स स्लीनेक्स हम श्रीलंका इंडिया सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका वज्र प्रहार इंडिया यूएसए एंड मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है क्वाड कंट्रीज कौन-कौन सी है ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया एंड यूएसए Point 5140 at Dras in Kargil sector has been renamed as Rocket Hill Gun Hill Missile Hill or Bomb Hill so answer is B that is Bomb Hill सॉरी गन गन हिल पॉइंट इक्यावन फोर्टी जो है द्रास के कारगिल सेक्टर में उसका नाम रख दिया है गन हिल ठीक है क्योंकि ये जो यहाँ पे जो कारगिल था कारगिल वॉर हुई थी 1999 में तो 26 जुलाई 1999 को हमने ऑपरेशन विजय किया था और वहाँ से पाकिस्तानियों को भगा के भगा दिया था तो वहाँ के जो गनमैनस हैं गनर्स हैं उनको उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए उस द्रास कारगिल सेक्टर का नाम गन हिल रख दिया गया है स्टेट पुलिस गॉट प्रेजिडेंट कलर्स अवार्ड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू कर्नाटका तमिलनाडु केरला और तेलंगाना कहाँ की पुलिस को मिला है आंसर इज़ बी दैट इज़ तमिलनाडु सो तमिलनाडु की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स ऑफ अवार्ड मिला है ये हाईएस्ट अवार्ड होता है ठीक है किसी भी मिल्ट्री के लिए किसी भी स्टेट पुलिस के लिए ये उन्हीं को मिलता है जो पच्चीस साल अपना पूरा कर रहे कर दिया होगा जिन्होंने देश की सेवा में सो इट इज़ अ एक्नोलेजमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी करेज कमिटमेंट प्रोफेशनलिज्म इंटीग्रिटी सर्विस टू द ह्यूमैनिटी सो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड किसको मिला था आईएनएस वलसूरी सूरी को मिला था ये आपने याद रखना है काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है द लाइट वी कैरी इज़ अ बुक ऑफ मिचेल ओबामा बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन सो आंसर इज़ ए दैट इज मिचेल ओबामा ओबामा की वाइफ बराक ओबामा की वाइफ मिचेल ओबामा उनकी ये बुक है द लाइट वी कैरी और इनकी एक और बुक भी है दैट इज बिकमिंग ठीक है ओल्डेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ यू एस ए कौन है जोई बाइडन जो आजकल है 80 एट्टी प्लस है ये वो इज़ द ऑथर ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड टॉम्ब ऑफ सैंड किसने किसके ऑथर है गीतांजलि श्री ने लिखी है और उनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड भी इसके लिए मिला है मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी डिस्कॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये जे जे सिंह ने लिखी है ही वॉज द एक्स एक्स गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये किसने लॉन्च uh, की थी बाय गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन ये हमारे पास एक्स सी ए जी है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद राय उन्होंने लिखी है अष्टांग योगा इज रिटर्न बाय डॉक्टर सोनू फोगत यह हरियाणा के सी एम ने मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च की थी निंजर मेला इज सेलिब्रेटेड इन विस स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और यूपी सो आंसर इज सी दैट इज हिमाचल प्रदेश तो अभी अभी मिंजर मेला से ये खबर आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश ने इसको इंटरनेशनल फेयर घोषित कर दिया है सो so हिमाचल में अब पांच इंटरनेशनल फ़ेयर हैं लाइक like कुल्लू दशहरा रेणुका फेयर मंडी शिवरात्रि लवी फेयर इन रामपुर एंड मिंजर मेला इन चंबा सो so हर घर जल का सौवीं डिस्ट्रिक्ट कौन बनी थी उसको पूरा करने वाली दैट इज़ चंबा ऑपरेशन पोलो टू कैप्चर हैदराबाद इन 1947 ये क्वेश्चन भी काफ़ी जगह पे आ गया है कि ऑपरेशन पोलो हमने कहाँ के लिए लॉन्च किया था तो ऑपरेशन पोलो जो है हमने लॉन्च किया था हैदराबाद को कैप्चर करने के लिए नाइनटीन में नाउ मुस्लिम वुमेन राइट डे सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ अगस्त सो आंसर इज़ ए डेट इज़ फर्स्ट ऑफ अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट डे होता है क्यों होता है क्योंकि तलाक की बिदत मतलब कि जो ट्रिपल तलाक है उसको रिमूव कर दिया था फर्स्ट ऑफ अगस्त दो हज़ार सत्रह से नाउ ट्रिपल तलाक इज़ ए क्राइम और तीन साल की जेल भी इसमें हो सकती है सो so, ट्रिपल तलाक लॉ वॉज़ मेड ड्यू टू किस किसकी वजह से जो शाहबानो शा केस था सायरा बानो केसेस थे और शाह शाहबानो एंड सायरा बानो, बानो केसेस की वजह से हमने ट्रिपल तलाक को रिमूव कर दिया है इजिप्ट इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने ट्रिपल तलाक को बैन किया था सो हिरोशिमा डे दैट इज़ सिक्सथ ऑफ अगस्त को नागासाकी डे एंड ऑफ अगस्त को क्योंकि इन दो दिनों में वहाँ पे क्या uh, फेंका था यू एस ए ने वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे एंड वर्ल्ड ट्राइवल डे दैट इज़ ऑल्सो इन नाइन्थ ऑफ अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे दैट इज़ ऑफ ट्वेल्थ ऑफ अगस्त नेशनल यूथ डे कब हुआ था बारह जनवरी को बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑफ ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद फुटबॉल यूरोपियन चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जर्मनी और ब्राजील सो द आंसर इज बी दैट इज इंग्लैंड इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया फाइनल में एंड विनर इज इंग्लैंड हु हैज चिप्स एंड साइंस बिल 2022 इंडिया चाइना यू एस ए और रशिया सो द आंसर इज़ सी दैट इज़ यू एस ए आपको पता होगा कि जो चाइना है चाइना के पास बहुत सारे सेमी कंडक्टर्स हैं सेमी कंडक्टर की चिप्स बनाई हुई है उन्होंने तो वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ठीक है ताइवान ताइवान भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस चीज़ का तो चाइना के पास आजकल इसकी इंडस्ट्री सारी की सारी है सेमी कंडक्टर्स की तो उनको पीछे छोड़ने के लिए यू एस ए ने क्या किया है यू एस ए ने किया है चिप्स एंड साइंस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू लाया हुआ है सो so, ये क्या करेगा असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा एंड सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगा एक सौ बिलियन डॉलर्स की ठीक है सो so, सबसे ज़्यादा क्या होगा इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को हम बढ़ावा देंगे यू एस बढ़ावा देगा ठीक है कंपटीशन टू फेसिंग क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं चाइना की मार्केट से दो 200 बिलियन डॉलर और ये खर्च करेंगे इन साइंटिफिक रिसर्च दैट इज़ आर एन डी के ऊपर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एंड सेमी कंडक्टर पॉलिसी दो हज़ार बीस बाईस से दो हज़ार सत्ताईस में इंडिया में कहाँ कहाँ पर लागू की गई है दैट इज़ ढले गुजरात और उस सिटी को क्या बोलेंगे सेमीकॉन सिटी नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड बैंक हैज़ अपॉइंटेड टेस्ट टैच एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर द इंडिया दैट इज़ ये अगस्टे टैनोकोमा तो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया अगस्टे टैनोकोमा को एज अ कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया किस को रिप्लेस किया है जुनेद कमल अहमद को इन्होंने रिप्लेस किया है सो वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट कौन है डेविड मालपास और आई एम एफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है क्रिस्टीला क्रिस्टी क्रिस्टलिना जॉर्ज कीवा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू मेक सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट सात न्यू डिस्ट्रिक्ट इसमें uh, बनना uh, बनेगी और दैट इज किसने डिसाइड किया आसाम आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल और झारखंड सो आंसर इज सी दैट इज़ वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल अब सात और डिस्ट्रिक्ट बनाएंगी अभी उनके पास ट्वेंटी थ्री डिस्ट्रिक्ट हैं सात और बनेगी अब टोटल कितनी होगी थर्टी डिस्ट्रिक्ट होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सुंदरबन बनेगी एक इचामिति रानाघाट बिश्नोपुर जंगीपुर जांग, एंड ब्रह्मपुर ये सात डिस्ट्रिक्ट न्यू बनेगी वहाँ पे एंड लास्ट वन इज़ बसीरहट ठीक है इट मेक्स अ बॉर्डर विद तो हमारे पास जो वेस्ट बंगाल है वो बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ नेपाल के साथ और भूटान के साथ तो तीन कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल इट हैज़ बाउंड्रीज विद स्टेट्स लाइक असम झारखंड बिहार सिक्किम एंड उड़ीसा ना पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल जो है इज अ ज्वाइंट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन कोरिया साउथ कोरिया जापान यूएसए साउथ कोरिया चाइना यूएसए कोरिया साउथ कोरिया इंडिया जापान साउथ कोरिया यू एस एंड इंडिया तो क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है क्योंकि यूएसए और चाइना की तो बनती नहीं है तो पैसिफिक ड्रैगन अगर आपको पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल आए तो आपने याद रखना है कि ड्रैगन इसमें नाम है तो ये ड्रैगन किसको बोलते हैं चाइना को ये इसमें नहीं है सो आंसर इज साउथ कोरिया जापान एंड यू एस ए ठीक है ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा विल ऑल्सो इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी दो हज़ार बाईस के एडिशन में और कहाँ पर होगा हवाई आईलैंड ज इन यूएसए अब युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है इंडिया यूएसए के बीच में ये अगले महीने ये स्टार्ट हो रहा है नोमाडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया इंद्रा इंडिया और रशिया हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना इक्वेरियन दट इज इंडिया एंड मालदीव एमपीएक्स इज अक्सरसाइज बिटवीन किस किस के बीच में एक्सरसाइज ये हो रही होगी अभी नेक्स्ट वन चाइना फ्रांस यू और यू ए सो आंसर इज़ बी दैट इज़ फ्रांस तो हम हम देख रहे थे कि कुछ दिन पहले जापान के साथ भी भी एक एम पी एक्स एक्सरसाइज हुई थी दैट इज़ जापान के साथ भी हुई थी दैट इज़ अंडमान सी में हुई थी और फ्रांस के साथ अब ये यही हो रही है एम पी एक्स वो नॉर्थ एटलाटिक सी में हो रही है इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा आई एन एस टर्कश जो कि अभी ब्राज़ील जाने वाला है ब्राज़ील में जाके वो वहाँ पे 15 अगस्त को झंडा फहराएगा इंडिया का रियो ब्राज़ील में ठीक है एंड आई एन एस टर्किश इज गोइंग टू ब्राज़ील एंड फॉर द इंडियन फ्लैग ऑन फिफ्टीन ऑफ अगस्त ट्वेंटी नाउ इसरो विल लॉन्च आज़ादी सेट ऑन ई ओ एंड आज़ादी सेट और ई ओ एस अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम टू ऑन सेवंथ ऑफ अगस्त को ये लॉन्च होंगे ठीक है कौन सी लॉन्च व्हीकल है दैट इज़ पी एस एल वी जी एस एल वी फाइव और एस एस एल वी सो आंसर इज डी तो इंडिया वालों ने एक डिज़ाइन किया है लॉन्च व्हीकल उसको बोलते हैं स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो छोटे छोटे सेटेलाइट्स हैं उनको आ, उनको ऑर्बिटल में भेजने के लिए एस एस एल वी का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है ठीक है बहुत ज़्यादा सस्ता है अगर हम पी एस एल वी और जी एस एल वी को यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं तो ये सस्ता जैसा बनाया है स्मॉल सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तो आज़ादी सेट एंड ई ओ एस अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम टू इनको सेटेलाइट को लॉन्च करेंगे ऑन सेवंथ ऑफ अगस्त अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ठीक है किसको माइक्रोसेट सैट टू ए भी बोलते हैं और ई ओ एस जीरो टू भी बोलते हैं ठीक है जो आज़ादी सेट सैटेलाइट है वो किसने बनाया सात सौ पचास स्टूडेंट गर्ल्स ने बनाया है जो कि सरकारी स्कूल की स्टूडेंट्स हैं स्पेस किड्स इंडिया प्रोग्राम के तहत अब पी एस एल वी सी फिफ्टी टू कब हुआ था चौदह फरवरी दो हज़ार बाईस को यू एस अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम वन इसमें लॉन्च किया गया था एंड पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री इसमें क्या हुआ था सिंगापुर के सैटेलाइट्स डी एस ई ओ स्कूब एंड न्यूसार ये इनको ऑर्बिटल में भेजा था पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री ने एरियन फाइव रॉकेट क्या है एरियन फाइव रॉकेट ने जी सेट ट्वेंटी फोर को लॉन्च किया था फ्रॉम फ्रेंच गोयना से गिवन टू द लीज़ ऑन टाटा डी टी एच को लीज़ पर दिया गया था एक कॉम्युनिकेशन सैटेलाइट है Now, Niti Aayog signed an MOU. ऑन स्कूल एजुकेशन विद विस स्टेट मणिपुर नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सो आंसर इज डी दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश के साथ नीति आयोग ने एम ओ यू साइन किया है फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए ठीक है सो so, ये पार्टनरशिप कब तक रहेगी इनकी दो हज़ार बाईस से लेकर दो हज़ार पच्चीस तक ये पार्टनरशिप रहेगी ठीक है और कब कब किया है अभी सेकेंड एनिवर्सरी थी ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई दो हज़ार बीस को न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल पास हुआ था कैबिन ट में ठीक है तो ये डेट आपने याद रखना है ये एच पी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले टेन प्लस टू स्ट्रक्चर था अब कौन सा स्ट्रक्चर है फाइव <laughs> <The> प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर स्ट्रक्चर है कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन कमेटी इन ट्वेंटी 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 ठीक है नीति आयोग क्या है नीति आयोग एक जनवरी 2015 को लॉन्च बना था इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वाइस चेयरमैन इज सुमन बैरी एंड सीईओ इज़ परमेश्वरन अय्यर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीजियस कॉमो कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप टू ऑनर एम के गांधी अटल बिहारी वाजपेयी सरदार वल्लभ भाई पटेल या पिंगली वेंकैया सो आंसर बी है इसका सॉरी इसका डी है इसका आंसर है डी दैट इज़ पिंगली वंकैया पिंगली वंकैया को ऑनर करने के लिए इनके नाम की एक स्टैंप इनके फ़ोटो की एक स्टैंप जो है रिलीज़ की है ठीक है ऑन तिरंगा उत्सव के दिन तिरंगा उत्सव के दिन ठीक है ये हमारे पास तिरंगा उत्सव कब मनाया जाता है हमारे पास सेकंड ऑफ अगस्त को सेकेंड ऑफ अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन बर्थडे होता है पिंगली वंकैया का पिंगली वंकैया कौन है जिन्होंने तिरंगा क्या किया था डिज़ाइन किया था हमारा नेशनल फ्लैग ठीक है तो वन फोर्टी सिक्स बर्थडे था ठीक है तो स्टैंप रिलीज़ किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है, है तिरंगा उत्सव के दिन ठीक है ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल फ्लैग गॉट अडोप्टिड ऑन कब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन को फ्लैग डे भी बोलते हैं बाईस जुलाई को एंड नेशनल एंथम गॉट एक्सेप्टेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जैन नाइनटीन फिफ्टी नेशनल एंथम भी इसी दिन हुआ था एंड नेशनल सॉन्ग वो भी इसी दिन हुआ था वंदे मातरम ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को उन्नीस सौ इक्कीस में महात्मा गांधी ने अप्रूव किया था डिज़ाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की मीटिंग में विजयवाड़ा में ठीक है और वही हम आज देखते हैं वही डिज़ाइन हम आज भी देखते हैं बट उस डिज़ाइन में ये था कि सेंटर में वहाँ पे चरखा था बट अब हम जो देखते हैं वो अशोक का चक्र है एंड पिच ब्लैक ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज अक्सरसाइज बिटवीन एयर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है नेवी कॉम्बैट एक्सरसाइज है स्टॉम है साइक्लोन है सो आंसर ए इट इज एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज एयर फोर्स का है इट इज़ मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज इन पिच ब्लैक ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये जो पिच ब्लैक है ये ऑस्ट्रेलिया क्या करता है ऑर्गेनाइज करता है ठीक है और इस बार इसमें सतारह नेशन पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और कहाँ पर होगा नॉर्थ नॉर्थन टेरिटोरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये हो होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स राफ इंडिया विल आल्सो पार्टिसिपेट ठीक है कितने सौ से ज्यादा एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पच्चीस सौ से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सतारा कंट्रीज होंगी ठीक है कहाँ से 19 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा ये पार्टिसिपेंट्स ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया फ्रांस जर्मनी इंडोनेशिया जापान मलेशिया और नीदरलैंड्स भी आएगा इसमें न्यूजीलैंड तो होगा ही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है फिलीपींस भी है रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर इज ऑल्सो देयर थाईलैंड इज ऑल्सो देयर यू भी है इस बार यू एंड द यू इसमें चाइना और रशिया नहीं है हु बिकम्स द फर्स्ट वूमेन टू टेक ओवर एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटेटिव है इन यू एन यूनाइटेड नेशन में तिरुमूर्ति थे उनको रिप्लेस किया है किसने रिप्लेस किया है गीतांजलि श्री रुचिरा कम्बोज कृष्णा कम्बोज एंड सुशीला श्री तो आंसर इज़ बी देट इज़ रुचिरा कम्बोज सो so, रुचिरा कम्बोज जी ने क्या कर दिया है इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटिव टू यू एन है किसको रिप्लेस किया है त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति को इन्होंने टी एस त्रिमूर्ति को रि रिप्लेस किया है ठीक है टोटल हमारे पास आज तक यूएन में इंडिया के परमानेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टोटल इक्कीस उसमें से ये पहली फर्स्ट वोमेन है फर्स्ट वोमेन है ठीक है और यूनाइटेड नेशन कब बना था 24 अक्टूबर 1945 सौ को जनरल कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियन एंटोनियो गुटेरस सो हु हैज़ बिन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ आई टी बी पी ठीक है एडिशनल uh, चार्ज में ठीक है डॉक्टर सुजोय लाल थाइसन संजय अरोड़ा नुकुल जैन अगस्तो तानो कौमे तो आंसर इज ए दैट इज डॉक्टर सुजो लाल थाउसन ठीक है इनको अपॉइंट किया गया है क्योंकि जो संजय अरोड़ा है संजय अरोड़ा है इनको बना दिए पहले थे इनको बना दिया है अब पुलिस कमिश्नर ऑफ डेली दैट्स वाई डॉक्टर सुजय लाल थायसन जो कि सुरक्षा सीमा बल के डीजी हैं उनको एक्स्ट्रा अपॉइंट एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है ऑफ आई के डी के रूप में सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को एडिड लंगत सिंह कॉलेज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी हमने खोला था लंगत सिंह कॉलेज में टू इम्पॉर्टेंट एंडेंजर हेरिटेज में इसको डाल दिया है इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट उड़ीसा बिहार मणिपुर और आसाम सो आंसर इज़ बी दैट इज़ बिहार तो इसको हमने ये बिहार के है लंगत सिंह कॉलेज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये एस्टेब्लिश किया था अंग्रेज़ों ने नाइनटीन सिक्सटीन में और इसको यूनेस्को में डाल दिया है तो so यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया में कितनी है फोर्टी है बट फोर्टी है इसमें बत्तीस नेचुरल है उसमें सात सात नेचुरल हैं बत्तीस कल्चरल है एंड वन मिक्स्ड है वन मिक्स्ड कौन सी है सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड लेटेस्ट कौन सी है वर्ल्ड हेरिटेज दो है लाइक थर्टी नाइन्थ है रामप्पा अपा टेम्पल एंड तेलंगाना में फोटियथ है ढोलावीरा गुजरात में और ढोलावीरा क्या है हमारे पास एक ये हमारे पास इंडियाज़ मोस्ट प्रोमिनट आर्कोलॉजिकल साइट है एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन की है ये यूनेस्को इंटेंजिबल साइट्स में हमारे पास कितनी साइट्स हैं चौदह जो हम जिसको हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते ठीक है तो ये लेटेस्ट कौन है इसमें दुर्गा पूजा ऐड की गई है ऑपरेशन मुक्ति स्टार्टेड इन केरला आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और उत्तराखंड सो so, आंसर इज डी मुक्ति कहाँ पे मिलती है उत्तराखंड में ही मिलती है तो उत्तराखंड जी तो इसका याद रखने का तरीका ये है कि मुक्ति कहाँ पे मिलेगी उत्तराखंड में मिलेगी दैट्स बाई ऑपरेशन मुक्ति इज़ इन स्टार्टेड इन उत्तराखंड तो इसका मतलब क्या होता है जो छोटे छोटे बच्चे जो बैग भीख मांगते हैं उनको क्या करना है एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना है एजुकेशन देनी है उनकी टू स्टॉप बैगिंग एंड टू एंक्रीज टैम फॉर एजुकेशन अब ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ हुआ था बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू कल्टीप्लीकेशन कल्टिवेशन ऑफ गांजा को रोकने के लिए ऑपरेशन गंगा टू ब्रिंग बैक पीपल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन यूक्रेन क्राइसिस के टाइम ऑपरेशन देवी शक्ति टू ब्रिंग बैक पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान ड्यूरिंग अफगानिस्तान क्राइसिस ऑपरेशन में दूध कब हुआ था सियाचिन में हुआ था सियाचिन में जो पाकिस्तानी घुसे थे उनको निकालने के लिए नाइनटीन एटी फोर में एक दूध ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन विजय कारगिल विजय के लिए कारगिल में जब घुसे थे पाकिस्तानी वाले उनको निकालने के लिए छब्बीस जुलाई नाइनटीन नाइन्टी नाइन को ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा था और हमने जीत लिया था कारगिल डे इसको मनाते हैं छब्बीस जुलाई इसको एंड ऑपरेशन ट्राइडेंट ऑपरेशन ट्राइडेंट और त्रिशु जब 1971 में वॉर हो रही थी तो 4 दिसंबर 1971 को हमने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया था इंडियन नेवी ने ठीक है तभी तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे भी मनाया जाता है नव चिराग चिराग इज़ चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ एजिस्ट असिस्टेंट एंड ग्रांट इज़ स्टार्टेड बाय केरला पंजाब हरियाणा और तमिलनाडु सो आंसर इज सी दैट इज़ हरियाणा तो इसमें क्या करेगी जो वीकर सेक्शन के पीपल हैं जिनकी एनुअल इनकम कितनी है जिनकी एनुअल इनकम एट वन पॉइंट एट लाख से भी कम है जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम एक वन पॉइंट एट लाख से भी कम है उनको क्या करेगी उनको प्राइवेट बैंकों में प्राइवेट स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं और उनमें उनको कोई भी फीस वहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी तो ये किसने चिराग किसने इम्प्लीमेंट किया है हरियाणा ने ई अधिगम योजना आल्सो बाय हरियाणा इसमें ये टैबलेट देंगे स्टूडेंट्स को फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एद। के लिए Uh, 101st हंड्रेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जीएसटी से रिलेटेड है वन हंड्रेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ओबीसी के कमीशन से रिलेटेड है वन हंड्रेड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 परसेंट कोटा टू ईडब्ल्यूएस डब्ल्यू एस एंड वन फोर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एस सी एक्ट जो कोटा uh, है वो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है और एंग्लो इंडियन कोटा जो था वो रिमूव कर दिया है नाउ वट इज़ धनोरी धनोरी क्या है मून मिशन ऑफ नासा मून मिशन ऑफ जाक्सा मून मिशन ऑफ साउथ कोरिया मार्स मिशन ऑफ ईरान सो आंसर इज सी दैट इज इट इज़ अ मून मिशन ऑफ साउथ कोरिया आपने याद रखना ये पहला मून मिशन है साउथ कोरिया का अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया चाइना यू एस इंडिया चाइना और यूएस के बाद चौथी कंट्री बन जाएगी कौन साउथ कोरिया जो मून पे सक्सेसफुल ऑपरेशन करना करने में सफल रहेगी सो साउथ कोरिया लूनर ऑर्बिट लूनर मतलब कि मून का होता है और ये कहाँ से इसको वो लॉन्च करेंगे बाय फाल्कन लाइन लॉन्च व्हीकल से ये फाल्कन लाइन किसका है स्पेस एक्स का है और स्पेस एक्स किसका है एलन मस्क का है सो इंडिया रशिया जापान इंडिया रशिया और जापान ने एक एग्रीमेंट किया था कि वो लॉन्च करेंगे मून मिशन इन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी में नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ट्वेंटी टू हू व गोल्ड मेडल इन मैंस हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में किसने जीता है सुधीर मुकेश सिंह गहलोत राहुल सक्सेना और नन ऑफ दी सो आंसर इज ए दैट इज सुधीर ने क्या जीता है पैरा लिफ्टिंग मैन की हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है ठीक है इज़ ट्वेंटी सेवन ईयर्स ओल्ड एंड और उनको पोलियो की वजह से वो फिजिकली हैंडी हैं है तो उन्होंने क्या जीता था वर्ल्ड वर्ल्ड पैरा पावरलिफ्टिंग में एशिया ओशियनिक ओपन चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था ठीक है ही वॉन् द फर्स्ट पैरा कॉमनवेल्थ गोल्ड फॉर इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी वो विल बी दोर्टी नाइन्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित एन वी रमन्ना राजीव कुमार और ननब देव सो आंसर इज ए दैट इज़ उदय उमेश ललित तो उदय उमेश ललित आ, अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं आजकल कौन है एन वी रमन्ना है तो एन वी रमन्ना से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या किया रिकमेंड कर दिया है किसको जस्टिस यू यू ललित उदय उमेश ललित को उन्होंने रेकमेंड कर दिया है फॉर नेक्स्ट सी जी आई ऑफ इंडिया ठीक है और उनका वो जो सी जी आई बनेंगे यू यू ललित तो ओनली तीन तीन महीने से भी कम टाइम के लिए वो सी जी आई बनेंगे इंडिया के क्योंकि उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे तो उन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर भी अपनी जजमेंट दी थी ठीक है ललित जस्टिस ललित कौन कितने बनेंगे वो फोर्टी नाइन्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं नंबर ऑफ जजेस थर्टी फोर थर्टी थ्री जजेज होते हैं एक इसमें सी जी आई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस रहेंगे वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है हाई कोर्ट में कितने जजेस रहते हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा टेन ईयर कितना होता है छः साल या सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले आए सिलेक्शन ऑफ जजेस बाय रेकमेंडेशन ऑफ सी सी जी आई रेकमेंड करेगा या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रेकमेंड करेगा उसके बेस पे आ, कोई सी कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है एंड देन इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सिलेक्शन ऑफ सी जी आई कैसी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोलोजियन रूल से होती है कोलोजियन रूल क्या होता है इसमें ग्रुप ऑफ फाइव सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन हमारे पास हमारे बीच में से अगला सी बनेगा और अपनी रिकमेंडेशन देता है प्रेजिडेंट को और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा हु विल बी द होस्ट ऑफ स्पेशल मीटिंग ऑफ यू एन एस सी काउंटर टेररिज्म कमेटी ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो आंसर इज डी दैट इज इंडिया सो इंडिया होस्ट करेगा एक स्पेशल मिनिट यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल की ऑन काउंटर टेररिज्म टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया विल होस्ट द डिप्लोमेट्स कितने कितनी कंट्रीज आएंगी फिफ्टीन कंट्रीज़ के मेम्बर्स आएंगे ठीक है इंडिया क्या है इस टाइम इस टाइम इस टाइम इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है कितने साल के लिए इलेक्ट हुआ है दो साल के लिए इलेक्ट हुआ है और दिसंबर 2022 में इंडिया का टर्म पूरा हो जाएगा और हमारे पास परमानेंट मेंबर कितने होते हैं पांच होते हैं यू में और दस कंट्रीज़ क्या होती है नॉन परमानेंट मेंबर्स नाउ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन टी साइंड एन एम विद विद विच कंपनी टू रिलोकेट द चीता जो चीता होते हैं अफ्रीका के नामीबिया से जो चीता हम इंडिया लेके आ रहे हैं उनमें प्रोजेक्ट चीता के अंडर उसको कौन आ, कौन से करे, हो करेगा कौन सपोर्ट करेगा पावर ग्रिड एन टी पी सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओ एन जी सी सो आंसर इज सी दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो हेल्प करेगा किसकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, की. किसके लिए आ, प्रोजेक्ट चीता के लिए चीता को कहाँ से नामीबिया से इंडिया लाने के लिए ठीक है कितना देगा आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कितना देगा पचास पॉइंट टू टू करोड़ रुपए देंगे आउट ऑफ पचहत्तर करोड़ टोटल इसमें खर्चा आएगा पचहत्तर करोड़ का प्रोजेक्ट चीता के लिए और उसमें से पचास करोड़ कौन देगा वो देगा आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहली ऐसी कॉरपोरेट बन गई है जो प्रोजेक्ट चीता को सपोर्ट कर रही है एंड सबसे पहले हम एशियाटिक चीता लेके आ रहे थे फ्रॉम इंडिया इंडिया फ्रॉम ईरान टू इंडिया बट उसके बाद क्या हुआ प्लान चेंज हो गया हम अफ्रीका से चीता लेके आ रहे हैं इंडिया में अब पचास अफ्रीकन चीता हम लेके आएंगे फ्रॉम नामीबिया टू इंडिया इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स और इंडिया में उनको कहाँ रखेंगे कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ना अमेजन इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवे टू बोस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी फ्लिक ने किया है तो अमेजन इंडिया तो अमेजन इंडिया तो इसका आंसर ये अमेजन इंडिया तो अमेजन इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवे ताकि उनके जो प्रोडक्ट uh, की डिलीवरी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए विद इन वन डे और टू डे डिलीवरीज को बढ़ावा देने के लिए ठीक है कितने एक सौ दस इंटरसिटी रूट्स में ये काम करेगा तो इसके अमेजन के फाउंडर कौन है दैट इज़ चैफ़ बेजोस नाउ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पे होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया दिल्ली इंडिया रियो ब्राज़ील दुबई यू ए सो आंसर इज बी दैट इज़ दिल्ली इंडिया सो दिल्ली दिल्ली क्या करेगा दिल्ली इंडिया करेगा द आई डी एफ वर्ल्ड डेयरी समिट की एनुअल मीटिंग कहाँ पे होगी इस बार इंडिया में होगी जिसमें पंद्रह सौ पार्टिसिपेंट पार्ट करेंगे इसमें बहुत सारे uh, तो इसमें बहुत सारे रिसर्चर भी पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत सारे इंडस्ट्रलिस्ट कंपनी वाले और जो साइंटिस्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि किस तरह से हमने मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इंडिया इंडिया इज़ द वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन है इंडिया है बाईस परसेंट हम ही देते हैं पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन को ठीक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरे नंबर पर है चाइना पाकिस्तान एंड ब्राज़ील तीसरे चौथे और पाँचवें नंबर पर है हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर इन फॉर्चून ग्लोबल फाइव हंड्रेड लिस्ट में कितनी इंडियन कंपनीज हैं सेवन एट नाइन और टेन सो आंसर इज सी दैट इज सी दैट इज़ नाइन तो इसमें देखते हैं कि कितना किस किस कंपनी ने कितना रेवन्यू जनरेट किया है ठीक है एक साल के अंदर तो यू एस रिटेलर वॉलमार्ट वॉलमार्ट इसमें सबसे पहले नंबर पे है फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में इंडिया की नौ इसमें कंपनीज हैं जिसमें दो जो है टाटा की कंपनीज हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है वॉलमार्ट सबसे पहले नंबर पे है नाइन्थ टाइम नौवीं ही बार ये पहले नंबर पे आई है कंटिन्यू Uh, हर एक साल में ठीक है अमेजन इसमें दूसरे नंबर पे है इंडिया की कंपनी कहाँ कौन कौन सी है एल आई सी एल आई सी इसमें पहले सबसे पहले नंबर पे है इंडिया में नाइन्टी एट नंबर है इसका रेवेन्यू जनरेटेड नाइन्टी सेवन पॉइंट टू एट बिलियन और इसका प्रॉफिट है दैट इज़ फाइव फिफ्टी थ्री पॉइंट एट बिलियन मिलियन डॉलर्स और दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ग्लोबली इसका वन रैंक है एंड वन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रैंक विच इंडियन स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस ठीक है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तमिलनाडु और केरला सो आंसर इज डी दैट इज केरला सो केरला ने एक स्टार्ट किया है ऑनलाइन ई इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी ठीक है ऑनलाइन हम कोई भी टैक्सी गवर्नमेंट की टैक्सी को क्या कर सकते हैं बुक कर सकते हैं ठीक है ऑनलाइन कैब सर्विस बाय केरला गवर्नमेंट दैट इज़ उसको बोलते हैं केरला सवारी बोलते हैं ठीक है इट इज़ अ लो कॉस्ट सर्विस एंड गुड सिक्योरिटी भी इसमें है क्योंकि इसमें पैनिक बटन भी इन्होंने कैब में दिया है जैसे ही कोई पैनिक होगा कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको बटन दबा के एक पे कॉल चली जाएगी नो नो फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ केरला केफोन प्रोजेक्ट केरला सी स्पेस इंडिया फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म दैट इज केरला गवर्नमेंट का है एंड ओन अपना इंटरनेट है किसी स्टेट का दैट इज केरला का इंडिया एड्स हाउ मेनी वेटलैंड डेजिग्नेटेज एट रामसर साइट्स दस ग्यारह नौ और आठ अभी अभी दस जो है और रामसर साइट्स ऐड कर दी गई है इंडिया में पहले कितनी थी फोर्टी नाइन और उससे पिछले हफ्ते कितने हुई थी पाँच ऐड हुई थी और इस हफ्ते फिर से दस ऐड हो गई है अब अब टोटल हो गई है 64. अब जो दस नहीं है जो आई उसमें से तमिलनाडु की है एक एक हमारे पास गोवा कर्नाटका मध्य प्रदेश और उड़ीसा की है ठीक है रामसर कन्वेंशन जो है ये रामसर ईरान में हुआ था नाइनटीन में तभी इसको बोलते हैं रामसर साइट्स एंड इंडिया साइंड इट ऑन फर्स्ट ऑफ फैफ नाइन को और फर्स्ट ऑफ फैफ़ नाइन फर्स्ट ऑफ साहब को तभी नेशनल वेटलैंड डे भी मनाते हैं अब सिक्सटी टू वेटलैंड हमारे पास टोटल है कितना कवर एरिया करते हैं बारह लाख पचास हज़ार तीन हेक्टेयर एरिया ये कवर करते हैं और 10 कौन कौन सी आई है अब तमिलनाडु की चार है कोन थाकुलम बर्ड सेंचुरी दूसरी कौन सी है गल्फ ऑफ मन्नर वाली तीसरी कौन सी है वेबनार वेटलैंड और चौथी कौन सी है वेलोड बर्ड सेंचुरी फिफ्थ वन विदा थंगल बर्ड सेंचुरी एंड लास्ट वन इज़ उदय पुरम बर्ड सेंचुरी तो ये तमिलनाडु की है अपने याद रखनी है उड़ीसा की सतकोशिया एंड नंदा की नंदा लेक गोवा की ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद रंगानाथीतु बी एस ये हमारे पास कहाँ की है कर्नाटका की सिरपुर भी आपने याद रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिरपुर वेटलैंड इन मध्य प्रदेश नाउ नेक्स्ट वन इज वी स्टेट लॉन्च एग्स एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी के जो चिल्ड्रन होते हैं तीन से लेकर छः साल के बच्चे उनके लिए एग और मिल्क की स्कीम किसने स्टार्ट की है कर्नाटका केरला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सो आंसर इज बी दैट इज़ केरला सो केरला के चीफ मिनिस्टर नाराई विजयन ने एक इनाग्रेट किया एक प्रोजेक्ट फॉर वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए न्यूट्रिशन लेवल बच्चों का बढ़ाने के लिए ठीक है इसमें ये कितना खर्च करेंगे छ सिक्सटी वन पॉइंट फाइव करोड़ खर्च करेंगे मिल्क और एग के लिए ठीक है ये फर्स्ट इन द कंट्री कंट्री में पहला है जहाँ पे ईच सभी बच्चों को कितना एक सौ पच्चीस एम एल मिल्क मिलेगा और एक एक अंडा मिलेगा दो टाइम दो बार एक एक वीक में दो बार कितने टाइम कितने वीक्स तक चलेगा फोर्टी फोर वीक्स तक चलेगा दस महीनों तक ये काम चलेगा सो so, फोर लाख ,00 चिल्ड्रन को इसमें बेनिफिट होगा तीन से लेके कर छः साल की उम्र के बच्चों के लिए नाउ सी एम नाश्ता योजना कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी वो किसने स्टार्ट की थी ब्रेकफास्ट देना स्कूल के बच्चों को फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास के बच्चों को दैट इज़ तमिलनाडु ने स्टार्ट की थी तो तो ब्रेकफास्ट देगा तमिलनाडु और एग और मिल्क को दे, कौन देगा आंगनबाड़ी चिल्ड्रन को केरला हु हैज़ बिन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ पी एम ओ ऑफिस पी एम ओ ऑफिस की डायरेक्टर किस को लॉन्च किस को अपॉइंट किया गया है माधवीपुरी बुज गीता गोपीनाथ अलका मित्तल और श्वेता सिंह सो आंसर इज़ बी दैट इज़ श्वेता सिंह सो so श्वेता सिंह को डायरेक्टर बना दिया है पी एम ओ ऑफिस का ये दो हजार आठ बैच की फॉरन इंडियन फॉरन सर्विसेज के ऑफिसर है तो पी एम ओ इज़ सो सबसे पहला जो हैड है वो है प्रमोद कुमार मिश्रा जी ठीक है और ये डायरेक्टर बनी है कौन श्वेता सिंह सो पी एम ओ सपोर्टिंग स्टाफ होता है पी एम ओ क्या होता है सपोर्टिंग स्टाफ होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए सो so, अब अब देखते हैं माधवीपुरी बुच कौन है माधवीपुरी बुच इज़ द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अलका मित्तल इज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ ओ एन जी सी ठीक है गीता गोपीनाथ है आपने याद रखना है फर्स्ट ये हमारे पास फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ठीक है और गीता गोपीनाथ का नाम लगाया कहाँ पर है फीचर्ड इन ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनमिस्ट ऑफ आई एम एफ सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन एम पी एच पी यू पी और लद्दाख सो आंसर इज ए दैट इज़ मध्य प्रदेश में हमारे पास वर्ल्ड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा तो फ्लोटिंग है तो कौन सी रिवर पर होगा कोई किसी ना किसी रिवर पर होगा तो ये रिवर कौन सी है नर्मदा रिवर नियर ओंकारेश्वर डैम के पास ठीक है द फ्लोटिंग पावर प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन खांडवा तो ये खांडवा में कंस्ट्रक्ट होगा कितना मेगावाट है 600 मेगावाट का है ठीक है दिस प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कितने तीन हज़ार करोड़ रुपए का ये टोटल है तो आपने ये ध्यान रखना है तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट होती है ये ओनली डिस्ट्रिक्ट बनेगी मध्य प्रदेश की जिसमें थर्मल पावर प्लांट भी है हाइड्रो पावर प्लांट भी और सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पर आ गया है ठीक है तो इसका बेनिफिट ये होगा होता है कि इसके जो मॉड्यूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम ईजीली uh, बहुत ही जल्दी हम उसको क्या कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं दे रन दे डोंट रिक्वायर एनी लैंड लेवलिंग और वेजिटेशन रिमूवल एट्सट्रा सो अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू है विच इंडियन एथलीट वोन द फर्स्ट एवर मेडल टू मेडल दो मेडल जीते हैं फर्स्ट एवर किसने जीते हैं रश्मि रंजना वर्मा रूपल चौधरी और नॉन ऑफ दी सो आंसर इज सी दैट इज रूपल चौधरी जो रूपल चौधरी जी हैं उन्होंने क्या जीता है अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू में दो मेडल इन्होंने जीते हैं फर्स्ट टाइम शी वॉन द टू मेडल सिल्वर जीता है इन्होंने फोर इंटू फोर हंड्रेड रिले में ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है फोर हंड्रेड की रेस में यही यही वो चैंपियनशिप है जहाँ से नीरज चोपड़ा ने दो में फर्स्ट एवर गोल्ड जीता था फॉर इंडिया सो so, कुछ और क्वेश्चन है मिराज अहमद खान कौन है जिन्होंने आईएसएसएफ वर्ल्ड शूटिंग वर्ल्ड कप शूटिंग का वर्ल्ड कप है 2022 में उन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड जीता था स्कीट में ऐश्वर्या तोमर गोल्ड इन आई वर्ल्ड कप 2022 अर्जुन बपूता ने भी गोल्ड जीता था शूटिंग में वर्ल्ड कप में 2022 में ठीक है आई वर्ल्ड कप जो ट्वेंटी ट्वेंटी हुआ था इसमें इंडिया की रैंक वन है जहां पे ये हुआ था साउथ कोरिया में उसका रैंक टू है ठीक है खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ न्यू डेली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की में इंडिया ने एक ही मेडल जीता है दैट इज़ सिल्वर मेडल बाय नीरज चोपड़ा Now, DRDO successfully test fired anti tank guided missile okay, from which war tank? कौन से टैंक से अर्जुन टैंक भीम टैंक बारा टैंक और भीष्म टैंक सो आंसर इज ए दैट इज़ अर्जुन टैंक से अर्जुन टैंक से इंडिया ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है अब अभ्यास क्या है अभ्यास इज़ अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मतलब कि हमारे पास एक टारगेट है हमारे पास एक मिसाइल है तो अगर हमने मिसाइल को टेस्ट करना है तो कुछ टारगेट तो चाहिए जो ये टारगेट है ये क्या है ये है अभ्यास दैट इज़ हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अब सेंट क्या है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है ठीक है 12 किलोमीटर वर्जन ऑफ हेलिना का ये 12 किलोमीटर का वर्जन है अब हैलीना क्या है हेलिना है हमारे पास एक नाग है नाग हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक को मार गिराती है बस so, सो हेलिना भी यही है हेलना बस ये है कि इसमें जो नाग है उसको हम हेलीकॉप्टर से लॉन्च करेंगे तो इसको बोलते हैं ठीक है न तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है दैट इज़ विक्रांत जो कोचिन शिप लिमिटेड में बनाया गया है एंड पिनाका क्या है पिनाका इज़ नॉट अ पिनाका क्या है पिनाका हमारे पास रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है अस्त्र क्या है अस्त्र हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ना वर्ल्ड की फर्स्ट वर्टिकल सिटी कहाँ पे बन रही है उसका नाम है द लाइन कहाँ पे बन रही है सऊदी अरेबिया यूएई ए कतर और रोमान सो आंसर इज ए दैट इज़ सऊदी अरेबिया सो सऊदी अरेबिया में हमारे पास वर्टिकल पहली वर्टिकल सिटी बन रही है द लाइन तो इसकी लेंथ जो है ये सिटी है इसकी लेंथ है एक किलोमीटर इसकी जो हाइट है हाइट है हाइट जो है ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट है दैट इज़ फाइव मीटर और जो इसकी जो विथ्थ है विथ्थ रहेगी दैट विल बी टू हंड्रेड मीटर सो इट ये पहली पॉल्यूशन uh, फ्री जो है सिटी बनेगी ठीक है और सऊदी अरेबिया में बनेगी तो आपने याद रखना है सऊदी अरेबिया में द लाइन बन रही है प्रोजेक्ट कौन सा है प्रोजेक्ट नियोम है ये याद रखना है प्रोजेक्ट नियोम रबुल खाली डेजर्ट कहाँ पर है सऊदी अरेबिया में अल अलफुद डेजर्ट कहाँ है दैट इज़ ऑल्सो इन सऊदी अरेबिया ना फिफ्थ अगस्त को मोनिट्री पॉलिसी कमेटी ठीक है हैज़ इंक्रीज़ द रेपो रेट कितना इंक्रीज़ किया है उन्होंने फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट फाइव पॉइंट फाइव जीरो परसेंट फाइव पॉइंट वन फाइव परसेंट फाइव पॉइंट टू फाइव परसेंट सो आंसर इज ए दैट इज़ फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट तक इन्होंने इसको इंक्रीज़ कर दिया है ठीक है पिछले पिछले दो महीने में इसका था फोर पॉइंट नाइन परसेंट ठीक है अभी इसको इंक्रीज करके इंक्रीज करके कितना बना दिया है इसको पॉइंट फाइव इसको इंक्रीज़ करिए जीरो पॉइंट फाइव दैट इज़ सो टोटल बन गया फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट रेपो रेट क्या होता है रेपो रेट होता है हमारे पास एक होता है आरबीआई एक होता है बैंक जब बैंक जो है बैंक जो है पैसे लेता है आरबीआई से ठीक है तो आरबीआई बी के क्या देगा पैसे देगा बैंक को कुछ इंटरेस्ट तो लेगा उसको बोलते हैं रेपो रेट अब सपोज करो हमारे पास बैंक है और एक आर है सपोज करो आर को जरूरत गई तो बैंक से पैसे लेगा ठीक है जब वो बैंक से पैसे लेगा तो क्या होगा ठीक है बैंक से जब ये पैसे लेगा तो कुछ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा बैंक को तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो ठीक है जो ये रिवर्स रेपो होता है आर देता है बैंक को वो होता है वो ऑलवेज कम होता है रेपो रेट से ठीक है दिस इज़ द इंटरेस्ट तो रेपो रेट रेपो, रेपो रेट इज़ ऑलवेज हाइयर देन रिवर्स रेपो और बैंक रेट क्या होता है जो रेपो रेट है उसमें आप प्लस टू फाइव परसेंट ऐड कर दो वो हमारे पास बैंक रेट बन जाएगा सो so रेपो रेट कितना है आजकल हमारे पास फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट बिफोर इट वॉज फोर पॉइंट नाइन ज़ीरो परसेंट तो ये तीसरी बार तीसरी दो दो साल में ये दो दो महीने में इसकी रिपोर्ट आती है अब तीसरी बार ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर दिया गया है नाउ बैंक रेट इज़ फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट क्यों बढ़ाते हैं ये कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है सपोज़ करो कि आर जो है बैंकों को पैसे देगा हाइयर इंटरेस्ट रेट पर तो बैंक आगे भी हाइयर इंटरेस्ट रेट पर देगा पैसे टू द नॉर्मल पीपल को अब पीपल को देखेगा कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है पैसा लेना तो पैसे कम लेगा बैंक से ठीक है जब वो पैसे कम लेगा बैंक से तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसा कम आएगा बंदों के पास आ, पीपल के पास पैसा कम आ जाएगा पैसा कम आएगा तो पैसा कम खर्च करेंगे कर पैसा कम खर्च करेंगे तो तो जो वो बनती है डिमांड होती है वो कम आएगी तो इस वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो इस तरह से क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन हमारे पास कंट्रोल हो जाएगी सो मोनीटरी पॉलिसी कमेटी कितनी होती है छः बार में इनकी रिपोर्ट आती है हैविंग इसके कितने मेंबर्स होते हैं ओनली सिक्स मेंबर्स ना कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानते हैं सब कुछ बजरंग दल बजरंग पुनिया दीपक पुनिया ठीक है आपने याद रखना है एंड साक्षी मलिक इन्होंने गोल्ड मेडल किस में जीते हैं तीनों ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं पुनिया पुनिया एंड साक्षी मलिक तो आंसर ई सी दैट इज़ रेसलिंग तो बजरंग पुलिया ने गोल्ड मेडल जीता है सिक्सटी फाइव के जी में रेसलिंग में और साक्षी मलिक ने गोल्ड जीता है सिक्सटी टू कैटेगरी में रेसलिंग में एंड दीपक पुनिया ने जीता है एट्टी सिक्स किलोग्राम की फ्री स्टाइल रेस्लिंग में तो आपने ये तीनों याद रखने हैं अब हम टोटल करेंगे टोटल ट्वेंटी सिक्स हमारे पास आज तक ट्वेंटी सिक्स मेडल्स हो गए इंडिया के सबसे पहले सांकेत सागर वेट लिफ्टिंग में सिल्वर गुरु राजा को ब्रॉन्ज इन वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू को गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग फोर्टी नाइन के जी में बिंदिया रानी देवी को सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग जेरेमी लाल निरुंगा को गोल्ड इन सिक्सटी सेवन वेट लिफ्टिंग शिवली गोल्ड मेडल जीता है सेवनटी थ्री किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सुशीला देवी को सिल्वर मिला इन जूडो ना विजय कुमार यादव को ब्रॉन्ज मिला है जूडो में हरजिंदर कौर को ब्रॉन्ज मिला है वेटलिफ्टिंग में इंडियन वुमेन गोल्ड को गोल्ड मिला है ठीक है टीम है ये लॉन बॉल्स की तो ये सबसे पहला है पहला मिला है हमारे पास मेडल इन लॉन बॉल्स तो ये याद रखना है विकास ठाकुर हिमाचल के हैं इनको सिल्वर मिला है वेट लिफ्टिंग में ठीक है इंडिया मैन मैन टीम है मैन की टीम जो है टेबल टेनिस की उसको गोल्ड मिला है इस बार किसको हरा के सिंगापुर को हरा के इंडियन मिक्स टीम को सिल्वर मिला इन बैडमिंटन ठीक है तो किस किसने हराया है मलेशिया uh, ने फाइनल में हराया है तो लवली लवली लवप्रीत सिंह को ब्रॉन्ज मिला है वेट लिफ्टिंग में सौरभ घोषाल ब्रॉन्ज इन स्क्वैश तुलिका मान सिल्वर इन जूडो गुरदीप सिंह ब्रॉन्ज इन वेट लिफ्टिंग तेजस्वी शंकर ब्रॉन्ज इन हाई जंप ये भी याद रखना है तेजस्वी सिंह को हाई जंप में पहला अवार्ड मिला है इंडिया को आज तक का मुरली श्री शंकर सिल्वर इन लॉन्ग जंप सुधीर गोल्ड मेडल मिला है इन पैरा पावर लिफ्टिंग ये भी ध्यान रखना है और बजरंग पुनिया साक्षी मलिक और दीपक पुनिया को रेस्लिंग में मिले हैं अवॉर्ड्स एंड अंशु मलिक को सिल्वर मिला है फिफ्टी सेवन के जी में फ्री स्टाइल रेस्लिंग में दिव्या ककरन को फ्री स्टाइल रेस्लिंग में मोहित ग्रेवाल को रेस्लिंग में अवार्ड मिला है तो ये टोटल ट्वेंटी सिक्स है अप टू सेवंथ ऑफ सेवन्थ ऑफ अगस्त तक नाउ आर बी आई लॉन्च न्यू पेमेंट सिस्टम फॉर एन आर आई एन आर आई के लिए उन्होंने न्यू पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है दैट इज़ भारत बिल पेमेंट सिस्टम भारत बिल पेमेंट सिस्टम इन्होंने ये लॉन्च किया है किसके लिए आर बी आई ने एन आर आईज़ के लिए ठीक है ताकि वो अपने बिल पेमेंट्स कर सकें द पेमेंट्स को कौन प्रोसेस करेगा भारत बिल पेमेंट सिस्टम ठीक है तो ये जो हमारे पास बी बी पी एस है ये आर आर बी आई इसको क्या करता है कंसेप्टुलाइज इन्होंने किया है इसको और रन कौन करता है एन पी सी आई दैट इज़ नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया और आर बी आई के गवर्नर कौन है आजकल दैट इज़ शक्तिकांत दास <coughs> हु इज़ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे पास सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है यूपीएससी जो आई ए वगैरह होते हैं उनकी सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होती, होती है वो थी कैबिनेट सेक्रेटरी की तो आजकल वो कौन है आपने याद रखना है राजीव गाबा इज कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया दैट इज़ ए सो राजीव कुमार सॉरी राजीव गाबा ठीक है राजीव गाबा कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये क्यों न्यूज़ में है क्योंकि इनका टेन्यूर अभी ख़त्म होने वाला था इनको एक्सटेंड कर लिया है वन ईयर के लिए ठीक है आपने याद रखना है राजीव गाबा तो हमारा हम कुछ और अपॉइंटमेंट um, याद रखते हैं चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र दैट इज़ अजय कुमार सूद चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र दैट इज़ अनंत नागेश्वर इंडियाज़ न्यू फॉरन सेक्रेटरी दैट इज़ विजय मोहन कवात्रा के वाई के वी आई सी के न्यू हेड दैट इज़ मनोज कुमार है पहले इसके हेड कौन थे जो दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना जी वो अम, दिल्ली के गवर्नर बन गए हैं इनको के वाई सी के हेड बना दिया अब मनोज कुमार को पी एम ओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के न्यू डायरेक्टर कौन है दैट इज़ श्वेता सिंह ठीक है एंड विनय कुमार सक्सेना दैट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू डेली उनको बना दिया गया है पहले ये के वाई सी के हेड थे